अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई बता दें, कांग्रेस से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अगली खबर कांग्रेस से जल्द आएगी, यानी कि डॉक्टर अजय आलोक का एक और पोस्ट सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगली खबर कांग्रेस से आएगी जल्द। यानी ये बड़े संकेत, बड़ा इशारा कर रहे हैं अजय आलोक, जो अभी बता रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि आपको ये बता दें कि अभी बिहार में चर्चा चल रही है कि टूट हो सकता है कांग्रेस के अंदर। रजनीश हमारे साथ बने हुए, रजनीश क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से अभी महागठबंधन में अब टूट हो गई है, नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर भी चर्चा लगातार चल रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के कई विधायकों को लेकर पहले भी बीजेपी भी कह चुकी है और जेडीयू भी कह चुकी है, कांग्रेस वाले जो हैं चाह रहे हैं कि इधर आना और हमारे संपर्क में भी है। हालांकि इस बात की पुष्टि कांग्रेस ने नहीं की है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है जिस प्रकार से अभी ट्वीट पर ट्वीट सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव जो है कुछ घंटों बाद फिर से देखने को मिल सकता है। पल पल जो बिहार में सियासत की तस्वीर बदल रही है, हमने पहले ही कहा था। रजनीश, इसी के साथ ये भी अपडेट कर दीजिए कि आज कांग्रेस की बैठक पूर्णिया में होने वाली है, उसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई क्या अब तक? देखिए आधे घंटे बाद जो है कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी दी जाएगी कि आखिर बैठक जो है वो टली है, बैठक की जाएगी, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बता दें आपको कि बिहार में जिस प्रकार से सियासी हलचल तेज हुई थी, शुरुआत जो है जिस प्रकार से तीन मंत्रियों को एक साथ विभाग बदल दिया गया था, उस दिन ये लगा था कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है, उसके ठीक 24 घंटे बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था, तभी से ये कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ने लगी है। यानी लगातार तस्वीरें चेंज होती जा रही है। और जी रजनीश, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिरंजन बने हुए हैं। अभिरंजन जी, अब देखिए ये बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर अजय आलोक जो है वो अब ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस से भी जल्द ही खबर मिल सकती है, यानी टूट की जो बात है क्या उससे जुड़ी हुई खबर मानी जाए इसे? देखिए 19 विधायक हैं कांग्रेस के पास और उसका टूटना बहुत आसान है। महाराष्ट्र में आपने देखा है कि बड़ी पार्टियां जिनके पास 54-55 इस तरह से विधायक थे वो पार्टियां भी टूटी हैं, तो बिहार में 19 विधायकों वाली पार्टी का टूटना बिल्कुल संभव है। देखो मैं एक चीज जो कह रहा था ना, उस बात को भी समझने की बहुत जरूरत है। समन्वय वाली जो बात कहती है ना, तो समन्वय क्या होता है ना कि किसी भी गठबंधन में सभी सहयोगियों का ये दायित्व होता है कि वो समन्वय बनाकर चले। किसी एक गठबंधन सहयोगी के माथे पर समन्वय बनाने का भार नहीं डाला जा सकता है। जैसे घर में पति पत्नी दोनों का दायित्व होता है कि समन्वय के साथ रहें। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये पक्की जानकारी है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ गए थे, तो उन्होंने क्लियर कट जो है ये प्रॉमिस किया था कि हम तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने बार बार अपने बयानों में भी इस बात को कहा कि 25 में यही लड़ेंगे, अब यही संभालेंगे। क्लियर कट कहा था कि हम तेजस्वी को आगे बढ़ाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम सेंटर की राजनीति में जाएंगे। लेकिन जब नीतीश कुमार को लगा कि सेंटर की राजनीति में नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना इस वक्त बिल्कुल असंभव है और नरेंद्र मोदी की सुनामी के आगे विपक्षी गठबंधन कहीं भी नहीं टिकेगा, तो नीतीश कुमार ने भी धीरे धीरे जो है पलटी मारना अपने वादे से शुरू कर दिया। तो देखो दोनों चीजें होती है, और जहां तक ये चंद्रशेखर और सदानंद सिंह इन सब सुधाकर सिंह इन लोगों की बात आती है, तो हर गठबंधन में ऐसे दो चार चेहरे होते हैं। क्या आप याद करिए एनडीए 1 में बीजेपी के साथ ऐसे दो लोग नहीं थे क्या, अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह जैसे लोग लगातार जो है नीतीश कुमार को क्रिटिसाइज करते थे। तो ये देखो होता है किसी भी गठबंधन में, जब आप दो पार्टी हैं, दो पार्टियों की आइडियोलॉजी अलग है, दोनों पार्टियों के साथ अलग अलग माइंडसेट के नेता काम कर रहे हैं, तो ये होता है किसी भी गठबंधन में। तो ये सारी चीजों देखो बहानेबाजी है। और मैं